बॉलीवुड के दिलचस्प खबरों के लिए इस बेल को प्रेस कीजिए ताकि हम आप तक खबरें पहुंचा सके। हाल ही में जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक आदमी जिसकी मिनियापोलिस पुलिस के हाथों मृत्यु होने के कारण वर्ल्ड में ब्लैक लोगों के लिए जस्टिस मांगने के लिए पूरा देश विरोध कर रहा है। जहां हॉलीवुड के कई सितारे इंसाफ मांगने आगे आए, वहीं बॉलीवुड में से भी कई सितारे जैसे करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा जोनस, करण जौहर और भी कई ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के लिए अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत का इस विषय पर अलग विचार है। कंगना ने सभी बॉलीवुड के सितारों को प्रश्न किया कि वो लोग अपनी आवाज जॉर्ज फ्लॉयड जो एक अमेरिकन आदमी है उसके लिए उठा रहे हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे देश के हिंदुस्तानियों की तब वो कहाँ चले जाते हैं। कंगना यहाँ उस हादसे की बात कर रही है जो 17 अप्रैल को तीन साधुओं के साथ हुआ जब वो मुंबई कांदिवली से गुजरात जा रहे थे पालघर के अंदरूनी रास्तों से, और वहीं उन्हें चोर समझ वहां के गांव वालों ने उन्हें जान से मार दिया। एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा, इन साधुओं को कुछ हफ्ते पहले ही मारा गया लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। ये हुआ भी महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा बॉलीवुड के सितारे रहते हैं। ये काफी शर्म की बात है कि बॉलीवुड कभी मौका नहीं छोड़ता ऐसी चीजें करने से जिससे उनको 2 मिनट का फेम मिले, लेकिन इसका कारण उनके इंडिपेंडेंस के पहले की मजदूरी वाले जीन्स बोल रहा है। जब कंगना का ये पोस्ट हर जगह फैल गया तो काफी लोगों ने बॉलीवुड के सितारों को प्रश्न करना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपने देश में हो रही चीजों को नजरअंदाज क्यों किया।